दोस्तों, कामायनी हिंदी भाषा साहित्य का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना है। यह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई, परंतु इसका प्रणयन प्रायः 7-8 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो गया था। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मिलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास भी स्पष्ट हो जाता है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जा सकता है। चित्त वृत्तियों का कथानक के पात्र के रूप में अवतरण इस काव्य की अन्यतम विशेषता है। इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा और ईड़ा का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कामायनी प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है, साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव जत्र तत्र मिल जाता है। इसका कथानक इस प्रकार है। मानव के अग्रजन्मा देव निश्चिंत जाति के जीव थे, अर्थात मानव से पूर्व में और जो अवतरित हुए वे देव थे और वे निश्चिंत थे। किसी भी प्रकार की चिंता न होने के कारण वे चिर किशोर वय तथा नित्य विलासी देव आत्ममंगल उपासना में ही विभोर रहते थे। प्रकृति यह अतिचार सहन न कर सकी और उसने अपना प्रतिशोध लिया। भीषण जल प्लावन के परिणाम स्वरूप देव सृष्टि का विनाश हुआ, केवल मनु जीवित बचे। देव सृष्टि के विध्वंस पर जिस मानव जाति का विकास हुआ उसके मूल में चिंता थी, जिसके कारण वह जरा और मृत्यु का अनुभव करने को बाध्य हुई। चिंता के अतिरिक्त मनु में दैवी और आसुरी वृत्तियों का भी संघर्ष चल रहा था, जिसके कारण उनमें एक ओर आशा, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा का आविर्भाव हुआ तो दूसरी ओर काम वासना, ईर्ष्या और संघर्ष की भी भावना जगी। इन विरोधी वृत्तियों के निरंतर घात प्रतिघात से मनु में निर्वेद जगा और श्रद्धा के पथ प्रदर्शन से यही निर्वेद क्रमशः दर्शन और रहस्य का ज्ञान प्राप्त कर अंत में आनंद की उपलब्धि का कारण बना। यह चिंता से आनंद तक मानव के मनोवैज्ञानिक विकास का क्रम है, साथ ही मानव के आखेटक रूप में प्रारंभ कर श्रद्धा के प्रभाव से पशुपालन, कृषक जीवन और ईड़ा के सहयोग से सामाजिक और औद्योगिक क्रांति के रूप में भौतिक विकास एवं अंत में आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति का उद्योग मानव के सांस्कृतिक विकास के विविध सोपान हैं। इस प्रकार कामायनी मानव जाति के उद्भव और विकास की कहानी है। प्रसाद ने इस काव्य के प्रधान पात्र मनु और कामपुत्री कामायनी श्रद्धा को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में माना है, साथ ही जल प्लावन की घटना को भी एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया है। शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड के 8वें अध्याय से जल प्लावन संबंधी उल्लेखों का संकलन कर प्रसाद ने इस काव्य का कथानक निर्मित किया है। साथ ही उपनिषद और पुराणों में मनु और श्रद्धा का जो रूपक दिया गया है उन्होंने उसे भी अस्वीकार नहीं किया, वरन कथानक को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जिसमें मनु, श्रद्धा और ईड़ा के रूपक की भी संगत भली भांति बैठ जाए। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर जान पड़ता है कि इन चरित्रों के रूपक का निर्वाह ही अधिक सुंदर और सुसंयत रूप में हुआ। ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में वे पूर्णतः एकांगी और व्यक्तित्वहीन हो गए हैं। मनु मन के समान ही अस्थिर मति हैं। पहले श्रद्धा की प्रेरणा से वे तपस्वी जीवन त्याग कर प्रेम और प्रणय का मार्ग ग्रहण करते हैं, फिर असुर पुरोहित आकुल और किलात के बहकावे में आकर हिंसा वृत्ति और स्वेच्छाचरण के वशीभूत हो श्रद्धा का सुख साधन निवास छोड़ झंझा समीर की भांति भटकते हुए सारस्वत प्रदेश में पहुँचते हैं। श्रद्धा के प्रति मनु के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध काम का अभिशाप सुन हताश हो किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और ईड़ा के संसर्ग से बुद्धि की शरण में जा भौतिक विकास का मार्ग अपनाते हैं। वहाँ भी संयम के अभाव के कारण ईड़ा पर अत्याचार कर बैठते हैं और प्रजा से उनका संघर्ष होता है। इस संघर्ष में पराजित और प्रकृति के रुद्र प्रकोप से विक्षुब्ध मनु
जीवन से विरक्त हो पलायन कर जाते हैं और अंत में श्रद्धा के पथ प्रदर्शन में उसका अनुसरण करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्रद्धा आस्तिक के भाव तथा ईड़ा बौद्धिक क्षमता का मनु के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका सुंदर विश्लेषण इस काव्य में मिलता है। अतः यह काव्य अवश्य ही दृश्यव्य है। इसमें 15 सर्ग निम्नमत हैं: चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल यूनिक आवाज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।